हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में और ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। धारी देव के एकदम नज़दीक है और माता रानी के बहुत करीब। ये देखो यहाँ पे झरना बहुत भाई, यहाँ का पानी बहुत ठंडा और शुद्ध है, हो सके तो जरूर पीना। भाई क्या मेहनत करते हैं ये, देखो रात को भी यहाँ काम चल ही रहा है। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हो। तो गाइज आज हम जा रहे हैं केदारनाथ और आज के ब्लॉग में हम कराएंगे आपको केदारनाथ की एक छोटी सी ट्रिप। तो चलते हैं केदारनाथ की ओर। दिन के बज रहे 11 और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। चंबा से होते हुए हम केदारनाथ की ओर जाएंगे और चंबा मार्केट से अगर केदारनाथ की बात करें तो 285 किलोमीटर केदारनाथ पड़ता है। आज मैं अपने भाई के साथ केदारनाथ की यात्रा करूंगी। तो चलते हैं अब चंबा से पुरानी टिहरी की ओर। अभी टिहरी डैम के जस्ट ऊपर ये श्रीनगर वाली रोड है और वो उधर से हम आए हैं और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टिहरी डैम है और हमें जाना है अभी इस वाली रूट पे। यहाँ से हम जाएंगे श्रीनगर। तो गाइस टिहरी डैम से श्रीनगर पहुँचने में हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे शायद लग जाएं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं श्रीनगर की ओर। हम रुके अभी झील का व्यू देखने के लिए और ये देखिए टिहरी झील का सुंदर सा व्यू और हमें जाना है अभी इस वाली रूट पे, ये झील के ऊपर से होते हुए। अब चलते हैं वापस श्रीनगर की ओर। तो गाइस चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी हम हैं मालू पानी में, पता नहीं कौन सी जगह है। और यहाँ से श्रीनगर है 17-18 किलोमीटर। यार इसका ना एक चीज़ और है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत चल गए लेकिन जब हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि 1-2 किलोमीटर ही चले हैं। तो मालू पानी में मस्त जगह लोकेशन है यहाँ पे बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर बैठेंगे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीएंगे। ना रेंड पी ले, क्यों ऐसे अजीब लग रही है क्या? इसमें ना बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है। बहुत अजीब टेस्ट आ रहा है ना। ये कौन सा महीना है? ये है अगस्त, वो अक्टूबर 10वां महीना है ना। हाँ 8 महीने है, ठीक है, रेंड मत पी, बेकार है। तो गाइज हमने ये जो फैंटा ली थी एक्सपायर डेट की, हमने इस पहले देखा नहीं तो हमेंगे। एक तो यहाँ लोकेशन भी ऐसे, यहाँ कुछ एक आध दुकानें बेचारे बिकते नहीं होंगे सामान, तब ऐसे एक्सपायर अंकल लोग भी देखते नहीं होंगे यहाँ। तो गाइज ये फैंटा तो हमने खाया नहीं, तो एक्साइट करके सामान को चलते हैं वापस। गाइस ये हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में और ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का और पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, बहुत तेज आवाज़ आ रही क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये वाला जो पानी यहाँ से जस्ट 50 मीटर जो आगे जा रहा है वहाँ पे कीर्ति नगर है, वो आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, वो कीर्ति नगर का एरिया है और ये उस साइड है श्रीनगर, मतलब हम अभी श्रीनगर में ही है वैसे तो। गाइस चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अब धारी देवी में। ये देखो आपको ये धारी देवी मंदिर दिख रहा होगा और हमें अभी इससे भी आगे जाना है, हमें जाना है इस रूट से आगे। अब अभी ये देखो हम धारी देव के एकदम नज़दीक है और माता रानी के बहुत करीब। तो
माता रानी का आशीर्वाद लेके चलते हैं केदारनाथ की ओर। तो ये है धारी देवी की बाजार। मर्जी तेरी, चलना है चल ले। हैं तो गाइज, हम धारी देवी से जस्ट 100 मीटर आगे एक बहुत अच्छी लोकेशन में है। और ये देखो, यहाँ पे नदी के किनारे रेत ही रेत है। यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जिस प्यारे से व्यू का लुप्त उठाते हुए। ये देखो, और रेत देखो एकदम असली प्योर बालू। तो गाइस, शाम के 2:30 बज रहे हैं, यानी कि शाम तो नहीं लेकिन दिन के 2:30 बज रहे हैं। और हम धारी देवी से जस्ट यानी कि 100 मीटर आगे एक मस्त सी लोकेशन में आज पहुंच चुके हैं। यहाँ मतलब रेत ही रहते चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा था। हमें दूर से देख के बहुत अच्छी लगी लोकेशन, यहाँ लोग भी बहुत सारे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आते हैं और इस जगह का लुत्फ़ उठाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले लोकेशन दिखाती हूँ। ओ सूर्य भगवान जी उधर डूबने ही वाले हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सब आ रखे हैं। ओह माय गॉड, क्या लोकेशन है। तो चला गया यहाँ पे पानी के एकदम करीब। तो ये देखो गाइस, वाह, रीति रीति। तो हम तो अभी सूज खोल, पानी नहीं आ रहा तो यहाँ पे पानी ढूंढ रहा था दादा, मुझे लगा। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे मुंह धोना चाहो तो ये देखो बालू ही बालू है यहाँ पे। तो अगर और हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो आगे जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे शूज़ ख़राब हो जाएंगे। तो हम जा रहे हैं अब वापस। तो गाइस, तकरीबन 15 मिनट यहाँ रहने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूट की ओर। और अब पता नहीं केदारनाथ कितनी देर में पहुंचते, कुछ पता नहीं, लेकिन व्यू देख के मज़ा आ गया। दिन के बज चुके हैं 3 और अब आ चुके हैं हम खाना खाने के लिए, क्योंकि सोनू को तो लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, लेकिन मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख। तो हमने सोचा क्यों ना अभी खा लेते अच्छे से, शाम को तो हम शायद केदारनाथ पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से तो फिलहाल तो लंच कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, उसके बाद देखेंगे क्या मिलता है आगे खाने के लिए। गाइस, हमने जो वेज थाली ऑर्डर की थी ये देखो आ चुका है। 2 रोटी, थोड़े चावल, दाल, आलू की सब्जी, ये शायद कढ़ी होगी, और ये थोड़ा सैलेड। ना मैं आलू पराठा खाऊं तो खा ले, टेस्ट कर कैसा है। सही है, तुझे तो भूख लग रहा है, रोटी मंगा ली और खाने। गाइस, फाइनली मेरे आलू का पराठा भी आ चुका है। सोनू ने खा के ख़त्म कर दिया अपना खाना, और फटाफट से इसको टेस्ट करते और बताते कैसा है।
और बिल पे करके वॉशरूम में जाके ठीक है। एकदम वाव टेस्ट तो है लेकिन फिर भी ओके। तो गाइस खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस केदारनाथ की ओर। अभी हमने सोचा है कि क्यों ना यहाँ पे ना मुंह धोया जाए क्योंकि बहुत अच्छा पानी आ रहा है यहाँ पे साफ साफ। मैंने इसे बोला कि बैग यहीं छोड़ देते हैं बाइक के पास में, लेकिन बेचारा खुद ही ले गया बाइक हेलमेट। तो गाइस ये देखो वाव बहुत ही प्यारा छोटा सा झरना है यहाँ पे। तो सोनू आ गया मुंह धोने के लिए यार। बहुत प्यारा झरना नेचुरल। इसने ना फेस वॉश ज्यादा डाल दिया। इतना फेस वॉश कौन लगाता है। इधर झरने का पानी आप देख सकते हो बहुत ही साफ है और मतलब यहाँ पे आके इस झरने को देख के बहुत खुश हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे भी है गाइस, इसने मुंह धो लिया है और मैंने दो चार फोटो ले लिए। तो अब चलते हैं वापस। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हम मस्त इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मतलब तो कोई जल्दी नहीं है जाने के आने की। और वहाँ भी केदारनाथ में के जस्ट मतलब पास में हमारा एक भाई भी रहता है, तो इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स होकर जा रहे हैं। सोनू फेस वॉश यहीं छोड़ के चला गया था, मुझे वापस आना पड़ा। चलते हैं अब वापस। थोड़ी देर चलने के बाद हम रुक चुके हैं अभी एक छोटे से टपरी पे, छोटी सी टपरी पे। ये देखो लोकेशन मास आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय और प्यारा सा व्यू। हम फंसे हुए थे अभी बहुत ही खतरनाक वाले जाम में। मेरे फोन में बना गया वीडियो। हम पहुंच चुके हैं प्रयाग में और तो यहां से शुरू हो चुकी पैदल यात्रियों की भीड़। तो गाइस सोनप्रयाग से हम जा रहे हैं अभी पैदल और ये है हमारा भाई जो हमें लेने आया है पारस। तो यहां से हमें लेनी पड़ेगी एक, अपनी पर्सनल गाड़ी तो नहीं लेके जा सकते लेकिन ऐसे सवारी गाड़ी आपको गौरीकुंड या उससे आगे तक पहुंचा देगी जहां तक गाड़ी जाएगी। तो हम इस गाड़ी में जाएंगे। अब कहां बैठे सोनू? चल पीछे बैठते ना, सब पीछे बैठे पारू। हां तो क्या करोगे, आगे सीट फूलोगी, अब जा रही है ना, फूले आगे सीट दे। तो गाइस ये हमारी गाड़ी यहां पे रुक चुकी है और अब हम यहाँ से फिर जाएंगे पैदल क्योंकि गाड़ियों का बहुत लंबा जाम लग रखा है वो आगे तक, और तकरीबन 100 मीटर समथिंग अभी पैदल चलना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि पैदल ही चल लें। अब यहाँ से पैदल चलना है हमें 100 मीटर समथिंग गौरीकुंड और उससे आगे 3 किलोमीटर और है, तो जहाँ पारस हमें लेने आया पारस के वहीं जाएंगे हम कैंप में। तो चलते हैं अब पैदल यात्रा। ये देखो पैदल गाड़ियों की लाइन और ये हमारी पारस बहन
और ये हमारा बैग। तो अपने भाई बहन होने का फ़ायदा यही है कि आपको सामान उठाने नहीं दिया जाता, फिर खुद ही लेके चले जाते हैं वो लोग। गाइस हमने पैदल यात्रा फिर से शुरू कर दी है, जहाँ पारस हमें लेके जाएगा। साथ में डर भी लग रही क्योंकि गाड़ियों की बहुत जाम लग रहा है तगड़ा वाला। ये कहाँ से जा रहे हैं नीचे? गाड़ियों के लिए नीचे बारकुंडी। अच्छा, सोनप्रयाग के लिए गाड़ी यहाँ से भी जाती है? तो गाइस जिस गाड़ी में हम सोनप्रयाग से यहाँ तक आए थे गौरीकुंड तक, वो गाड़ी यहाँ तक छोड़ दी, और ये सारी गाड़ियाँ भी सोनप्रयाग के लिए जा रही है। देखो ऊपर से जब हम आएंगे तो हम यहाँ से हमें सोनप्रयाग के लिए गाड़ी मिल जाएगी आराम से। आग को देख के बहुत लालच आ रहा है। क्या हुआ, क्या बता रहे हैं? चल चलते हैं यहाँ पार चलते हैं। चलो जब यहाँ 2013 में आपदा आई थी ना, यहाँ पूरा पानी पानी होता। हाँ, भर गया था। हाँ पूरा, और केदारनाथ मूवी में ना ऐसे ही कुछ सीन दिखाया था ना। तो गाइस यहाँ ना यहाँ की रौनक देख के लग ही नहीं रहा यार, हम पहाड़ों में, और आते टाइम जो सुनसान रास्ता था यहाँ के, लग रहा है कि मतलब वाह। गाइस हमने गौरीकुंड से ले लिया है थोड़ा सामान, क्योंकि आगे बहुत महंगा मिलता है, तो इसने हमने खाने पीने की चीज़ें यहीं से ले लिया। और ये देखो यहाँ पे हो भगवान, भाई क्या मेहनत करते हैं। हम आधे रास्ते में हैं ये देखो, और बहुत भयंकर वाली भूख लग रही है, इसलिए मैं केला खा रही हूँ अभी। कितने में? 60 रुपये। तो अभी रात के ना 8 बजने वाले हैं, भूख लग चुकी है। उनको पूछ तो यार, पूछ लो। अरे केला खा रहे भाई, बैठ, केला खाओगे? तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उन्होंने पूछ रहे केला खाओगे केला। तो गाइस जब आप गौरीकुंड से निकलते हो ना, अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आया करो। रास्ते में भूख लगी तो थोड़ा कुछ खा तो ले, रास्ते में पेट दर्द हो रहा है मेरे तो भूख से। अभी आपको रात का व्यू दिखाती हूँ भाई साहब, चांद इतना प्यारा लग रहा है। ये है चांद, ये है एक चांद, ये है दूसरा चांद, ये है तीसरा चांद, और वो है चौथा चांद लाइट, जो हमारी जिंदगी हमारे रास्तों में उजाला कर रहा है। ऊपर खाएंगे भाई केदारनाथ में अभी बिस्कुट मत का, केले खा ले तब थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। केला बहुत, केले बहुत भारी हो रहे यार। हमारे सामान दिखाते, मैं केला ला रखा है हमने, ये खीरे, इसमें भी है, पता नहीं क्या क्या है, इसमें भी है। यहाँ का व्यू देखो भाई साहब, क्या मजा आ रही यार। मम्मी घोड़ों को देख के मुझे बहुत डर लग रहा है यार, और साथ में एक डंडी भी लेके चलनी है ताकि इन घोड़ों को ना जैसे हमारे पास है भगा दें हम इन्हें। तो ये देखो भाई क्या मतलब, रात को ही इतना प्यारा लग रहा है, दिन में कितना प्यारा लगता होगा ये। और वो देखो एक छोटा सा झरना, देखो यहाँ पे प्यारे प्यारे झरने, पी सकते हो आप यहाँ पे पानी। मेरा भी ब्लॉग भाई, यहाँ का पानी बहुत ठंडा और शुद्ध है, हो सके तो जरूर पीना। तो गाइज ये देखो यहाँ पे झरना बहुत ही प्यारा, रात को भी कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से ना हल्की हल्की बूंदे भी गिर रही है यार। ओ माय गॉड,
आ जाओ मैं। तो गाइस ये देखो मेरा भाई, भाई जी 100 रुपए में केदारनाथ तक छोड़ के आऊंगा। आलू आलू ये आलू तो बड़े महंगे पड़ गए, तभी मैं सोचूं ऊपर सामान इतना महंगा कैसे मिलता है, हम पैदल ही नहीं चल पाते गाइस, सामान तो से जाएगा। ये देखो पूरे रास्ते पर लाइट लगी है और रात भर यहाँ लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, काम रुक ही नहीं रहा। और ये सब लोग गौरीकुंड में रहेंगे अभी रात को, शायद वहाँ भी होटल वोटल की व्यवस्था है। बस इतने प्यारे प्यारे कज़न हो, इतने प्यारे प्यारे कज़न हो, तो फिर तो आपको किसी दोस्तों की इन्हीं दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मेरा भाई पारस भाई बैग लेके इतने प्यार से जा रहा है, एक बार भी नहीं बोल रहा कि बैग भारी है, और मैं जा रही हूँ खाली। गाइस देखो रात के बज रहे हैं 10:04, तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और हम पहुंच चुके एक चाचा के छोटी सी दुकान में, बहुत प्यारा सेटअप और ये ऊपर है, अभी यहाँ इसके ऊपर एक और है, वहाँ हम रहेंगे चाचा के, मतलब चाय बन रही है। हमारे चाचा जी प्यारे, हाय बोलो चाचा जी, हाय। अरे दाड़ा कहाँ गया, तुम्हारे दांत कहाँ गया, ये डाल गयो, कहाँ डल गयो, कहाँ हो गयो, दंत ताला। चाचा जी बिस्कुट का 3 रुपया का, बिस्कुट 5 रुपया का ना, यहाँ कति का बेचा, यहाँ का 10 का, अच्छा 10 का, और चाय कति की बेचा, एक चाय को 50 की बेचते, 100 की बेचते, 250 की बेचते, 20 रुपया देगी, मूड जस्ते मूड में, और जस्तो मूड नहीं मानते देखे तो, अच्छा अमीर मान जवन मान जाए तो मान जाओ भी मान जाए तो, अच्छा गरीब की सस्ता अमीर की महंगा, जब आओ चाचा जी 50 से शुरू नहीं हुआ। ओके तो गाइस हम लोगों के लिए 50 रुपए और जो थोड़ा अमीर लोग हैं उनके लिए 100-150। गाइस हम पहुंच चुके हैं चाचा की छोटी सी टपरी में, वही बनना ही नहीं, चाचा बनना ना लगे मुझे, ऊपर अभी ना अब तो राइल में मिले, वो मैं दिखाऊंगी, और ना यहाँ पे एक छोटी सी, अब तो चोरी पकड़ी गई, चाचा एक बेड लग रहा है, एक छोटा सा चारपाई लग रहा है, पहाड़ गए ले जाने, उसमें मतलब गेस्ट लोग भी रहते हैं, एक रात का है 600 रुपए। दिसंबर में तो ये देखो गाइस ये है छोटा सा बेड ना, आपको नहीं बोल रहा, तो इसी बैठ के गाइस 600 रुपए लेते हैं ये लोग, और इसी की यहाँ पे है, यहाँ पे हम सोएंगे अभी। वाव कितनी मजा आएगी यार, एक अलग एक्सपीरियंस, तो अपनों के होने की खुशी अलग ही है, क्योंकि ऐसी जगह में इतनी अच्छी जगह में इतनी, जहाँ मतलब एक छोटी सी चीज के लिए भी इतने पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ पे कोई अपना मिल जाए और इस तरह का सेटअप मिल जाए तो मतलब बहुत खुशी होती है यार, बहुत मजा आता है। ये देखो रात को भी यहाँ काम चल ही रहा है, सब रात भर ये मेहनत करते हैं ये लोग, और यहाँ पे पारू बेबी है हमारी, मैगी बना रही है, तो ये मैगी है पहाड़ी मैगी 50 रुपए की, और चाय दो रखी नहीं है, कोई नहीं चाहते। तो गाइस पारस बहन ने हमें बहुत ही प्यारी सी सब्जी दी है, जिसमें सोयाबीन राई और आलू है मिक्स, और ये देखो रोटी हमारी नेपाली रोटी बड़ी बड़ी, तो अब इसको टेस्ट करेंगे, तो देखो गरम गरम, वाओ बाहर का व्यू, और ये हमारी बहन और ये हमारी, तो ये अचार भी दे दिया चाचा जी ने हमें, ये पीस और तवयो ठकान, अरे रे रे इतना सारा अचार, चाचा जी ले दो, मजा आ रहा गाइस। रात के 11:30 बजे हम सोने जा रहे हैं, और ये सोने का सेटअप है, बाय गॉड इसके साथ रजी ओन है भाई साहब, मुझे डर लग रही है, वाओ कितनी मस्त जगह है, कितनी अच्छी जगह सोएंगे हम, एक अलग एक्सपीरियंस। अच्छा इसमें मैं सोऊंगी, पारस तो ही नहीं मुआ एक उनसे, तो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, तुम बोलो, तो गाइस रजाई मिल चुकी है, बिस्तर मिल चुका है, गद्दा मिल चुका है, तो अब सोते हैं फटाफट से, और आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और कल सुबह केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे हम, और तब तक के लिए आज का ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का हमारा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।